रिवीजन प्रायर वन डे होता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। कितना अच्छा हो अगर उससे पहले आपके एग्जाम से दिन पहले जो ये आपको करवा दे थोड़े से प्रॉब्लम्स ताकि आप फील करें कंफर्टेबल। तो आपको कंफर्टेबल फील कराने के लिए आ गया हूँ मैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ सिक्स डिजिट नंबर्स सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट्स इज 36। ठीक है, ये वो वैरायटी है जो असल मीन्स बहुत बहुत ज्यादा पूछने लगा है। तो आपका ऐसे 6 डिजिट नंबर्स फाइंड आउट करने सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 36। इसमें से आपको सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ऑल डिजिट्स आर नॉन जीरो। ऑल डिजिट्स आर नॉन जीरो, ठीक है, सारे डिजिट्स जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, सबसे पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन, ये सारे जो नंबर्स है ये 1, 2, 3, 4, 6 और 9 में से ही आ सकते हैं, क्योंकि ये 36 से फैक्टर से अलावा तो आप बना ही नहीं सकते प्रोडक्ट 36। ठीक है, ये सारे डिजिट सही ना जी 1, 2, 3, 4, 6 और 9 के कॉम्बिनेशन से बनने वाले नंबर है। ठीक है, नाउ अब आपको देखना है 36 जैसे मुझे लिखना है तो मैं क्या क्या ले सकता हूँ। एक केस हो सकता है कि मैं 2 ले लूं, 3 ले लूं, 6 ले लूं और बाकी सबको 1, 1, 1 कर दूं। फिर मैंने इनमें से चीनी दो का कंबाइन किया। ठीक है, लेट से मैंने 2 और 3 का एक बार कंबाइन किया और एक बार 3 और 6 का कंबाइन किया। 2, 3 का कंबाइन किया तो मिला 6, 6, 1, 1, 1। ठीक है, 1, 8, 1 बढ़ जाएगा, राइट। तो एक ये केस हो सकता है, एक ये केस हो गया। ठीक है, क्या मैं 3 और 6 कंबाइन कर सकता हूँ तो डिजिट बनाने के लिए? नहीं। क्या मैं 2 और 6 कंबाइन कर सकता हूँ डिजिट बनाने के लिए? नहीं कर सकता। तो ये हो गया पहला केस, ठीक है, जो कि आपका 2, 3 और 6 वाले कॉम्बिनेशन से आया था। नेक्स्ट आप एक केस देखो, 2, 3, 2, 3, 1, 1, ये वाला भी जो है 36 बना दे ना प्रोडक्ट, इनसे भी प्रोडक्ट 36 बन जाएगा। 6, 2 इन दोनों का कंबाइन कर दो, 6, 2, ठीक है, 6, 2, 3, 1, 1, 1 इससे भी बन जाएगा, इन दोनों का कंबाइन करोगे तो भी 6 ही आएगा। ठीक है, नॉट अ बिग डिफरेंस। खैर, ये वाला जो भी तुम केस लोगे वो बेसिकली यहाँ की काउंटिंग में आ जाएगा, तो इसे अलग से मत लो। ठीक है, जाने का बात सुन। तो एक तो ये हो जाए 2, 3, 2, 3 और 1, 1 वाला केस। अच्छा, और कौन से केस हो सकते हैं? क्या तुम ये वाला केस अप्रिशिएट करो, जैसे 4, 9, 1, 1, 1, 1, 4, 9, 1, 1, 1, 1, है ना, ये वाला केस भी अप्रिशिएबल है। क्या और ऐसा केस मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ? आइए, इतने ही बनने चाहिए केसेस। तो आओ देखें इस टाइप के कितने नंबर बनेंगे। टोटल है 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये बनता है 120। ये है 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 720 बाय 24 टाइम्स 2, ये बनते हैं 15। ठीक है, फिर ये जितने बनते हैं 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये बनते हैं ऐसे 90 नंबर। ठीक है, और ये जितने बनेंगे तुम्हारे 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, तो 6 × 5/2, ये भी बनेंगे 15 नंबर। अच्छा, और भी कई केसेस छूट रहे क्या अपने? टू 2, 3, 3, 1, 1 ले लिया, 4, 9, 4, 1 ले लिया, 2, 2, 9, 1, 1, 1 ले लिया। ठीक है, 4, 3, 4। अच्छा, अब अगर मैं ऐसे वाला केस लूं
जैसे मैंने सिर्फ दो टू कंबाइन किए लेकिन थ्री संबाइन नहीं किए, तो 4 3 3 और 1 1 1, ठीक है, ये प्रॉपर काउंटिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये बनेंगे 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल नंबर, तो दिस विल बी 720 बाय 12, दैट इज अगेन 60, ठीक है। और कौन सा केस बन सकता है मेरे भाई, और कौन सा केस बन सकता है? 229 वाला केस एक और आएगा, 229 और 111, ये भी सिमिलरली 60 आएंगे यार, दिख ही रहे, ये भी 60 आएंगे, तो 60 60, 120 120 और 15, 135 135 और 90, 225 225 और 120, 225 और 120, इतने में 5 345 और 15 360, 360 शुड बी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, ठीक है। 360 आंसर आएगा पहले वाले इस प्रॉब्लम का आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी। तो इजी प्रॉब्लम था, बस ये काउंटिंग आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी केस बना बना के, ठीक है। ऑल डिजिट्स आर नॉन जीरो और सारी डिजिट्स 1 2 3 4 6 9 में से आएगी, उसके बाद यहाँ से आपको ये प्रोडक्ट देखना होगा, इस केस से 36 इस केस से 36 है ना, एक बार डीकम्पोज सब करके, इसमें तो आई डोंट थिंक जो शॉर्ट टेक्निक लग पाएगी। फिर है फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन थीटा इंटू 1 प्लस sec 2 थीटा इंटू 1 प्लus sec 4 थीटा इंटू 1 प्लस sec 8 थीटा व्हेन थीटा इक्वल टू π/32। इसको करने का तो जो मेरे माइंड में तरीका है ना, जैसे इसका आपने लिख लिया टैन थीटा इंटू, ऐसे लिख लू 1 प्लस cos 2 थीटा बाय cos 2 थीटा इंटू 1 प्लस cos 4 थीटा बाय कॉस 4 थीटा इंटू 1 प्लस cos 8 थीटा बाय कॉस 8 थीटा, ठीक है। अब यहां से अपन ने क्या किया, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos² थीटा माइनस 1, तो ये बन जाता है 2 cos² थीटा, ये बन जाएगा 2 cos² 2 थीटा और ये बन जाएगा 2 cos² 4 थीटा और नीचे बन रहा है तुम्हारा cos 2 थीटा टाइम्स cos 4 थीटा, तो ये बन जाएगा हमारा tan थीटा मल्टीप्लाई में 2 cos² थीटा इंटू 2 टाइम्स cos 2 थीटा इंटू 2 टाइम्स cos 4 थीटा, ठीक है, अपॉन में cos 8 थीटा छूट गया था इधर, डिवाइडेड बाय कॉस 8 थीटा, ठीक है। अब न्यूमरेटर, अब जैसे ये सीरीज सॉल्व हो जाएगी है ना, ये हमें पता ही है, तो मैंने क्या किया, टेन थीटा इंटू 2 cos² थीटा पीछे से मल्टीप्लाई कर दिया, या यहां से मल्टीप्लाई कर दो 2 cos 2 sin 2 थीटा, तो 2 sin 2 थीटा और एक और लगे ना, 4 sin 2 थीटा से मल्टीप्लाई कर दो और 4 टाइम्स sin 2 थीटा से डिवाइड कर दो, और यहां बन रहा है 2 cos 2 थीटा इंटू 2 cos 8 थीटा 2 cos 4 थीटा। नाउ ये वाली जो चीज है, ये 4 है, ठीक है, ये सारे कॉन्स्टेंट एक तरफ कर लो, तो ये 2 2 और ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा, इस 4 sin 2 थीटा में से 8 2 इधर कर दो, ठीक है, और 8 2 इधर कर दो, तो ये 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा हो जाएगा, 2 sin 2 थीटा
क्रॉस 2 थीटा क्या बन जाएगा, क्या बैरिकेड क्रॉस 8 थीटा है ना, ठीक है। तो 2 टाइम्स sin 2 थीटा क्रॉस 2 थीटा क्या होता है, sin 4 थीटा, ये बन जाएगा sin 4 थीटा। और 2 sin 4 थीटा क्रॉस 4 थीटा क्या होता है, sin 8 थीटा, तो यहां पे बन जाएगा पूरा sin 8 थीटा। ये बन जाएगा tan थीटा इंटू tan 8 थीटा, अपॉन sin 2 थीटा, ठीक है, ये बन जाएगा। और यहां पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन में 2 cos² थीटा, ठीक है, 2 टाइम्स cos² थीटा। ओके, तो यहां से अपन थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, जैसे tan थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 टाइम्स, ये जो tan थीटा है, और cos स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा इंटू tan 8 थीटा बाय sin 2 थीटा। sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। तो फाइनल आंसर मेरा बन रहा है tan 8 थीटा, और थीटा है पाई बाय 32, तो ये बन जाएगा tan ऑफ पाई बाय 4, बेसिकली 8 into π/32 वो होता है tan पाई बाय 4, दैट इज इक्वल टू 1। तो इस प्रॉब्लम का आंसर विल बी 1, ठीक है। ये थोड़ा सा इजी प्रॉब्लम ही था, दिखने में टफ, बट जैसे ही आप इसे सॉल्व करना शुरू करोगे आइडेंटिटीज याद रखते हुए, दिस इज नॉट एट ऑल अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ क्रॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी यूज करनी है, दैट इज 2 cos² थीटा - 1। जैसे ही मैंने वो लिखा, नीचे ये इस टाइप से आ जाएगा और ऊपर ऐसे, फिर उसे सॉल्व किया, फिर मुझे पता है ये क्रॉस 2 थीटा क्रॉस 4 थीटा, तो अगर मुझे सॉल्व करना है, यहाँ sin 2 थीटा लगेगा, 2 sin थीटा लगेगा, तो वो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। ऐसे 2 है तो मुझे 4 लगता, तो 4 sin 2 थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 4 और 4 कैंसिल हो जाता, और उसके बाद ये सीरीज बन जाती। अब ये 2 tan थीटा इंटू क्रॉस स्क्वायर थीटा तो सॉल्व कर लिया, 1 cos थीटा दे दिया इधर, दो दे दिया जो tan थीटा, तो लिख दो sin θ/cos θ, तो वहां से ये sin 2 θ sin 2 θ कैंसिल हो जाए, tan 8 θ आ जाएगा, आंसर विल बी 1। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वैसे तो इजी प्रॉब्लम है, ठीक है, बट दिस इज समथिंग जो वैसे तो फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाते हैं, है ना, बट ये जिस वैरायटी का सवाल है वो इजी है। लेट वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा प्लस 1 x बी अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन देन अल्फा इज, तो मतलब वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर kx, इसको सॉल्यूशन मान लेते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा d2y/dx² विल बी नथिंग बट k² into e to the power kx - 4k e to the power kx + 4e to the power kx, ये पूरा 0 है। तो यहां से अगर मैंने e टू दी पावर के एक्स कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा k² - 4k + 4 = 0, और यहां से हमारे पास ये बन जाएगा e टू दी पावर kx टाइम्स k - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से k की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2। अगर k की वैल्यू 2 आ रही है तो अल्फा की वैल्यू बेसिकली 1 आ जाएगी, अल्फा प्लस 1 2 है ना, k इज अल्फा प्लस 1। बट सवाल उठता है, सर ये आपने ये जो इतनी फटाफट लिख दिया जैसे लिख दिया, तो भाई जब e टू दी पावर kx से डिफरेंशिएट करना है तो वो डिफरेंशिएट करना तो कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। देखो इसका ना nth डेरिवेटिव तुम यहाँ चाहो तो याद रख सकते हो, e टू दी पावर kx होता है ना, इजी होता है याद रखना, k की पावर n, k
टू द पावर ऑफ एन, ठीक है, इन टू ई टू द पावर के एक्स, ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर के एक्स। ये भी अर्थ डेरिवेटिव ले रहे हो ना, के कॉन्स्टेंट है इसलिए यहाँ पे आसानी है, कुछ वेरिएबल होता तो ज्यादा दिक्कत है। फिर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 से इंफिनिटी सच दैट, तुम्हें उसने दिया है एफ ऑफ वन की वैल्यू 1 दी है और उसने तुम्हें दिया है लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स टी क्यूब एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब एफ टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बराबर हाफ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं वो वाली चीजें सॉल्व कर लेता हूँ जो मैं कर सकता हूँ ना, तो इसमें मैंने लिख लिया लिमिट टी टेंड टू एक्स, ठीक है, थोड़ा सा फैक्टराइज कर लिया नीचे, तो ये बन जाए टी क्यूब एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब एफ टी अपॉन टी माइनस एक्स इंटू टी प्लस एक्स, ठीक है, और ये बराबर है हाफ के। ठीक है, अब मुझे पता है ये वाला जो पार्ट है ये तो लिमिट से डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो इस पार्ट को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां भेज देता हूं, तो रिमेनिंग मेरे पास जो लिमिट बची दैट इज लिमिट टी टेंड टू एक्स, और यहां से बना टी क्यूब एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब एफ टी डिवाइडेड बाय टी माइनस एक्स, और ये बराबर है टी प्लस एक्स बाय टू के, टी प्लस एक्स बाय टू के, ठीक है। ऑल राइट, तो अब अगर मैं देखूं तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है लिमिट, लॉ पे तो लगा सकता हूं मैं यहाँ, तो ये बन जाएगा लिमिट टी टेंड टू एक्स, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंसिएशन हो रहा, तो ये बन जाए 3t² एफ एक्स, एफ एक्स से कॉन्स्टेंट की जरा ट्रीट करो, यहाँ पे एक्स क्यूब को कॉन्स्टेंट की जरा ट्रीट करो, ठीक है, अपॉन 1 इज इक्वल टू टी प्लस एक्स बाय टू, ठीक है, यहां तक अपन आ गए। ठीक है, तो टी टेन टू एक्स बोथ साइड डलेगी, तो हमारे पास यहां से इक्वेशन आ रहा है 3h² एफ एक्स, ये बेसिकली टी की जगह एक्स हो जाएगा ना, तो 3h² एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब एफ डैश एक्स बराबर एक्स, एट एच से मैं डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 3h एफ एक्स माइनस h² एफ डैश एक्स बराबर 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना चाहिए, एफ डैश एक्स का कोएफिशिएंट आइसोलेट कर लेना चाहिए और पॉजिटिव बना देना चाहिए, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स माइनस 3/h एफ एक्स, ठीक है, बराबर -1/h² ठीक है, ये तो मेरे पास आ ही जाएगा। अब मुझे ले दीजिए बस ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सॉल्व करनी है, ठीक है, तो ये जैसे बन रहा है डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3/x माइनस 3y/h बराबर -1/h², यहाँ पे तो अपन डायरेक्टली जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगा सकते हैं, और ये बन जाए वाई इंटू ई टू दी पावर ऑफ माइनस इंटीग्रल डी एक्स बाय एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ -1/h² इंटू ई टू दी पावर ऑफ माइनस इंटीग्रल डी एक्स बाय एक्स, और यहां पे भी डी एक्स, ये बन जाएगा वाई इंटू ई टू दी पावर ऑफ माइनस ln x, दैट इज वाई टाइम्स माइनस एक्स बराबर
इंटीग्रेशन फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/h² टाइम्स माइनस एच डी एक्स। ठीक है, तो वाई टाइम्स माइनस एक्स बराबर एल एन एक्स प्लस सी। आई थिंक कुछ कैलकुलेशन है जरूर, यहां से देख लेना। ठीक है, बट दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, लॉपिटल रूल लगेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप आएगी। ठीक है, अब ये तो सबसे इजी प्रॉब्लम है। लेट ए इज इक्वल टू दिस सेट बी अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए हैविंग एटलीस्ट वन ऑड इंटीजर। क्या बोला है? एटलीस्ट वन ऑड इंटीजर। ये तो मुश्किल है निकालना, लेकिन नो ऑड इंटीजर तो आसान है। नो ऑड इंटीजर निकालना तो आसान है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते 2 की पावर n, और टोटल नंबर ऑफ ऐसे सबसेट जो से वी वन इंटीजर से बना, दैट विल बी 2 टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2, समझ रहे? जैसे मान लो 1, 2, 3 से लेके अगर ऑड नंबर्स तक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ इवन नंबर्स है वो कितने आएंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के प्लस हाफ, है ना? तो बेसिकली इसका आंसर आएगा 2 की पावर n माइनस 2 टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन दिस इज एन इजी प्रॉब्लम। अच्छा, ये मॉडरेट लेवल है, वैसे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में आने वाला है प्रॉब्लम है ना। बट ऐसे प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा बार बच्चे करते नहीं है और फिर फंस जाते हैं। सवाल कह रहा है आपके पास 2 इक्वेशन दी है और आपको वहां से क्यू इंटू आर निकालना है। ऑब्जर्व करना से बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, तो पहली इक्वेशन मेरी बन रही है ए टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 बी पी क्यू प्लस सी बराबर 0। ये मेरी पहली इक्वेशन है। और मेरी दूसरी इक्वेशन है ए टाइम्स पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 बी पी आर प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से मैं अगर इस इन अब तुम कुछ चीज ऑब्जर्व करो, ये प्लस सी दोनों में कॉमन है और ये एपी स्क्वायर मल्टीप्लाई होके सेम बनेगा। ठीक है, एपी स्क्वायर सेम बनेगा और 2 बी पी कॉमन है, जो वेरी हो रहा है वो हो रहा है सिर्फ क्यू और आर। तो अगर मैं इक्वेशन से ऐसे लिख लूं, ए पहली इक्वेशन जो लिख लूं ए क्यू स्क्वायर प्लस 2 बी पी क्यू प्लस सी प्लस ए क्यू स्क्वायर बराबर 0, ये मेरी लेटर से फर्स्ट इक्वेशन है। और मेरी सेकेंड इक्वेशन है ए आर स्क्वायर प्लस 2 बी पी आर प्लस सी प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 0। लेट अस से ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मेरे पास इक्वेशन है ए एच स्क्वायर प्लस 2 बी पी एच प्लस सी प्लस सी प्लस यहां पे आएगा एपी स्क्वायर। ठीक है, सी प्लस एपी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के मेरे पास 2 रियल रूट है, एच है क्यू और एच है आर। तो बस अब मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं कि क्यू प्लस आर बराबर माइनस 2 बी पी बाय ए। कैसा कोई ऑप्शन है? क्यू प्लस आर बराबर माइनस 2 पी नहीं,
और क्यू इंटू आर बराबर, क्यू इंटू आर बराबर सी प्लस एपी स्क्वायर, सी प्लस एपी स्क्वायर बाय ए, तो वो बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस सी बाय ए। तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर टू, क्यू आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस सी बाय ए। ये बिल्कुल ही मॉडरेट टू इजी, इजी टू मॉडरेट टाइप सवाल था, है ना। अच्छा प्रॉब्लम है, बट थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। आप लास्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो तो अच्छा है। इंटीग्रल कैलकुलस जो है मेरा जे 2024 प्लेलिस्ट में वीडियो डल नहीं पाई, तो इंटीग्रेशन के सवाल मैंने लिए हैं इसमें थोड़े। सो दिस इज अ वैरायटी जो बहुत ज्यादा आती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, फेमस वैरायटी है। कंसिडर एफ एक्स एंड जी एक्स, और दोनों जो आपने इक्वेशंस में दिया सच दैट बोथ आर इंटरकनेक्टेड। इस इनमें हमेशा याद रखना, तुम एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ कोई कांस्टेंट सी वन से कोई कांस्टेंट सी टू एक फंक्शन डी टी इज इटसेल्फ अ कांस्टेंट सी थ्री, है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन हमेशा कांस्टेंट आते हैं, है ना। अगर सिंगल वेरिएबल में कर रहे हो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। मल्टी वेरिएबल वाले केसेस हम एडवांस वर्कशॉप में कंसिडर करेंगे, बट फिलहाल के लिए जो हमारा मेन फोकस है दैट इज ऑन सिंगल वेरिएबल। तो मेरे पास एक इक्वेशन दी हुई है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब बाय टू प्लस वन माइनस एक्स इंटीग्रल जीरो से एक्स जी ऑफ टी डी टी, एक इक्वेशन ये दी है। दूसरी इक्वेशन दी है जी ऑफ एक्स बराबर, जी ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू वन एफ टी डी टी, एक्स माइनस इंटीग्रेशन जीरो से वन एफ टी डी टी। लेट अस से मैंने ये इंटीग्रेशन जीरो टू वन एफ टी डी टी को सी ले लिया, ठीक है। ये तो ये कॉन्स्टेंट हो रहा, इंटीग्रेशन जीरो से वन एफ टी डी टी विल बी अ कॉन्स्टेंट। तो यहां से मैं जी एक्स को बेसिकली एक्स माइनस सी ले सकता हूँ, जी एक्स को मैं एक्स माइनस सी ले सकता हूँ। तो एफ एक्स मेरा बन जाएगा, एफ एक्स मेरा बन जाएगा एच क्यूब बाय टू प्लस वन माइनस एक्स इंटीग्रेशन जीरो से एक्स जी टी डी टी। तो जी टी हो जाएगा टी माइनस सी डी टी, ये बनेगा। ऑल राइट, तो यहां से अपन एफ एक्स अब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एफ एक्स की जगह हम ला सकते हैं एफ एक्स एंड बी रिटर्न एस एफ एक्स इज नथिंग बट एक्स क्यूब बाय टू प्लस वन माइनस एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस सी एक्स। आई डोंट थिंक सो इसी किसी को बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड है। आई हैव जस्ट डन द सिंपल इंटीग्रेशन। तो एफ एक्स यहां से अपन लिख सकते हैं एक्स क्यूब बाय टू, और एक्स क्यूब बाय टू तो कट ही जाएगा, तो एवरीथिंग रिमेनिंग इज सी एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो एफ एक्स मेरा आ रहा है सी टाइम्स एच स्क्वायर प्लस वन, जहां पे मुझे जी एच निकालना है, ठीक है। ऑल राइट, तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई सी एच स्क्वायर प्लस वन, और मुझे अब यहां से सी निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन जीरो से वन एफ एक्स डी एक्स इज बेसिकली इक्वल टू सी, ये मुझे पता है ना, मैंने ये अज्यूम किया था यहाँ पर, है ना। दिस वॉज अजम्पशन आई मेड। तो इंटीग्रेशन जीरो से वन एफ एक्स डी एक्स सी है, इसका मतलब इंटीग्रेशन जीरो से वन सी एच स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, इसकी वैल्यू सी है। तो क्या यहां से मेरे पास सी आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। यहाँ से सी क्या आएगा, सी बाय थ्री प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, आई थिंक यहाँ पे तुम्हारा बन जाएगा वन बाय
1 बराबर सी। ठीक है, दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। तो सी बेसिकली मेरा 3/2 आ रहा है, तो एफ एच मेरा आ रहा है, एफ एच सी वैल्यू वाली 3/2 x² + 1। एफ एच आ रहा है 3/2 x² + 1। और जी ऑफ एच सी तो डेफिनेशन है ही क्या मेरे पास, जी ऑफ एच मेरा आ जाएगा x-3/2। जी ऑफ एच आ जाएगा x-3/2। जी ऑफ एच वॉज x-c, सी की वैल्यू मैंने निकाली 3/2। ठीक है, बिल्कुल इजी सा प्रॉब्लम। अब मुझे बस इनके नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है, तो इन दोनों को इक्वल कर दो, x-3/2 बराबर 3/2 x² + 1। यहां से अपन दोनों इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, ये बन जाएगा 3/2 x² - x + 5/2 बराबर 0। तो ये बन जाएगा 3x² - 2x + 5 बराबर 0। तो आई थिंक इससे तो देर आर नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जो है दैट इज लेस देन 0, तो नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ नंबर्स ऑफ दिस। तो आपको बतानी मिनिमम वैल्यू ऑफ a^-5 + a^-4 +3 a^, और a>0 मतलब सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स है, +1 + a^8 + a^10। एक ही तरीका है ए एम जी एम इनइक्वालिटी। लेकिन अब कुछ ऑब्जर्व करो, ये सारी पावर्स का सम कितना रहे 5, यहाँ पे बन रहे तुम्हारा -12 और यहाँ पे बन रहा है 18। तो ये कट पिट के बेसिकली कॉन्स्टेंट नहीं आएंगे, राइट, है ना, ये 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यहाँ पे भी 6 टर्म्स ही है वैसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इरेशनल वाली चीज फंसेगी, यहाँ 6√3 आएगा जो मुझे अवॉइड करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये जो 3 a^-3 है ना, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, a^-3 + a^-3 + a^-3। बस बाकी सब वैसा ही रहने दो। आप पावर से समझ लेगा, 5 4 9 9 3 12 12 3 15 15 3 -18 है ना, ये वाला -18 आता है, और ये 10 और 8 18 है। तो अब मैं बोल सकता हूँ जी, मेरा s/6 > 1, तो जो मिनिमम वैल्यू आ रही दैट इज 6। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 6। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। लेट fx बी अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 5 सच दैट x = ±1 आर इट्स क्रिटिकल पॉइंट्स। If limit x tend to 0, 2 plus fx upon x cube is equal to 4, then which of the following is not true? तो इसने आपको बातों बातों में दो इन्फॉर्मेशन दे दी कि f-1 और f-1 0 है। ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स है ना, अगर ये मैक्सिम क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, तो क्रिटिकल पॉइंट्स वही होते हैं जहाँ f-0 होता है। तो f-1 और f-1 0 दे दिया, और ऊपर से आपने बोल रहे हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2 + f(x) / x³, 2 + f(x) / x³ ये किससे बराबर है, 4 के बराबर है। अच्छा, और क्या बोल रहा है, f(x) इज अ फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल। तो अगर f(x) फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल है तो, और लिमिट एक्सटेंड टू 0 है, तो लेट अस से f(x) है मेरा ax^5 + bx^4 + cx³ + dx² + e ex + f, which is types of an in the fifth degree polynomial।
और लिमिट एक्सटेंड इन टू जीरो एफ एक्स बाय एक्स क्यूब, ये बेसिकली एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये चीज एग्जिस्ट करेगी तभी ये वाली चीज एग्जिस्ट करेगी जो भी इधर दिया हुआ है ना। तो मैं लिमिट एक्सटेंड इन टू जीरो एफ एक्स बाय एक्स क्यूब एग्जिस्ट भी करानी है और वो बेसिकली टू के इक्वल भी आनी है। तो इससे अपन लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंड टू जीरो एफ एक्स बाय एक्स क्यूब इज बेसिकली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी बाय एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस एफ अपॉन एक्स क्यूब, ये बराबर टू है। तो यहां से तो बहुत इजी हो जाता है खेल, क्योंकि अगर मुझे यहां से खेल खेलना है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करते हैं, मतलब डी ई और एफ जीरो होना चाहिए ना, वरना वो इंफिनिटी बना देगा। तो डी इक्वल टू ई इक्वल टू एफ बराबर से जीरो, रिमेनिंग बचता है लिमिट एक्सटेंड टू जीरो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो कट ही गया, यहाँ पे एक्स जीरो रख दो तो सी की वैल्यू टू आ गई, सी की वैल्यू टू आ गई, तुम्हारा डी ई एफ जीरो आ गया और एफ एक्स की वैल्यू आ रही है ए एक्स टू दी पावर 5 प्लस बी एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2x³। ठीक है, इससे बाद उसने बोला एफ डैश 1 और एफ डैश माइनस 1 जीरो है, तो एफ डैश एक्स के जो रूट्स है वो है 5a(x^4) प्लस 4bx³ प्लस 6x². अब एफ डैश 1 और एफ डैश माइनस 1 जीरो है, तो एफ डैश 1 जीरो कर दो तो वो इक्वेशन आएगी 5a प्लस 4b प्लस 6 जीरो, और एफ डैश माइनस 1 जीरो कर दो तो 5a माइनस 4b प्लस 6 बराबर जीरो। यहां से अपने पास बेसिकली a और b की वैल्यू आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ रही है -12/5 और बी की वैल्यू बेसिकली क्या आ रही है -12/8। ठीक है, तो एफ एक्स हमारे पास आ गया, इससे बात तो आई डोंट थिंक सो देर इज एनीथिंग डिफिकल्ट। एफ एक्स आ रहा है -12/5 एच सी पावर 5 प्लस प्लस नहीं -12/8 एच सी पावर 4 और प्लस 2। अब ऑप्शन देखो, एफ इज एन ऑड फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो एफ इज एन ऑड फंक्शन इज नॉट ट्रू क्योंकि एच टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट तो रहेगा ही, दैट इज नॉन जीरो है ना, दैट इज नॉन जीरो, हमने सॉल्व कर लिया, तो ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनाना है। ठीक है, एफ एक्स भी है, डिफरेंशिएबल फंक्शन दे दिया उसने, और एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 से लेके एफ ऑफ 7 तक की वैल्यू बताइए और मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स मतलब या तो एफ डैश एच 0 हो या एफ एक्स जो है वो बेसिकली मेरा प्लस माइनस 1 हो। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 तो क्या रहनी, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 5 है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू 1/2 है, ठीक है बहुत छोटी है, फिर एफ ऑफ 3 की वैल्यू 6 है, एफ ऑफ 4 की वैल्यू -3 है, ठीक है इधर जाइए, तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू -3 है, एफ ऑफ 5 की वैल्यू 4 है, एफ ऑफ 5 की वैल्यू 4 है, रेफर ने पॉइंट मार्क ही नहीं किया, एफ ऑफ 1 6 है, एफ ऑफ 2 हाफ है, एफ ऑफ 3 6 है, एफ ऑफ 1 बस 5, ओके एफ ऑफ 1 5 था और एफ ऑफ 3 6 जाएगा। ठीक है,
-3 जाएगा, सही बना है। ऑल राइट, f(4-3) जाएगा, f(5)4 जाएगा, ठीक है, f(5)4 है, और f(6)1/4 रहेगा, 1/2 से भी नीचे नहीं, ठीक है, इधर से 1/4। पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो ऐसा ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, और कोई चारा तो है नहीं, सारे पॉइंट्स से जनरेट कर दो, ठीक है, और क्योंकि इधर भी एक पॉइंट है, तो आई थिंक दिस शुड गो समथिंग लाइक दिस। तो -1 के लिए देर आर 1, 2, 3, सॉरी -1 बोल रहा हूँ, 1 के लिए वी विल हैव 5 ऑप्शंस, ठीक है, f(x)1 हो, 5 ऑप्शन है, ठीक है, 4 की 2, और f'(x)0 की 2, तो देर आर 11 पॉसिबल वैल्यूज, आंसर विल बी 1। ये जैसा क्वेश्चन है जो आपको खुद से ट्राई होगा तभी आप अच्छे से समझ पाओगे ग्राफ बनाना कैसे है, ठीक है। ना ये लिमिट सॉल्व करनी है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें निकालनी है यहाँ पे ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 से लेके n की पावर 4/n की पावर 5 माइनस लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन टिल n³/n⁵। ये लिमिट मुझे फाइंड आउट करनी है, राइट। तो पहली वाली लिमिट तो कोई बहुत खास चीज नहीं है, पहली लिमिट तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो, वो बन जाए लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 से n, a n कॉमन एक्सट्रैक्ट कर लो 1/n, और रिमेनिंग क्या बन जाएगा r/n की पावर 4, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, 1/n आ जाएगा बाहर कॉमन, और ये बन जाए लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1/n इंटीग्रेशन 0 से 1 hc/4 dx, ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन डू दिस वन। तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1/120 n, ठीक है, 1/120 n। ओके, नेक्स्ट इज दिस लिमिट 1³ प्लस 2³ प्लस ऐसे n³ से लेके n⁵ तक, तो ये तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं, वैसे यहाँ ये बोल रहा है लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1³ प्लस 2³ से लेके n³/n⁵। ये बन जाएगा लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, दिस विल बिकम लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1³ प्लस 2³ से लेके n³ तक, बन जाता है n² n+1 का होल स्क्वायर 4 n⁵। ये बन जाएगा लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, और यहां से आप इसे लिख सकते हैं n⁴ × 1+1/n/4 n⁵। तो ये बन जाता है 1+1/n/4 n, और इधर अपन ने लगा रखी है लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी। अब इन दोनों का हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा पहला जो सीरीज बना था वहां से हमारे पास आया था 1/120 n,
व्हाट वी नीड टू डू इज लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, दोनों से सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस बिकम्स 1/120 n माइनस 1 प्लस 1/n अपॉन 4 n। तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, ये बन जाएगा -1/n -1/120 n² -1/120 n / 4 n। यहाँ पे लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी लगा के बाद मिल जाएगा। यहां से अपन -1/120 या 1/120 कॉमन ले ले, तो ये बन जाएगा 1/n² - 1/n / n। तो ये बेसिकली तुम्हारा 1/5 बन जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दो क्वेश्चन ऑफ लास्ट टू प्रॉब्लम्स। तो ये मैं पूरी पूरी सॉल्व नहीं करूंगा, आई विल गिव यू हिंट्स एंड आई विल टेक यू टिल अ सर्टेन स्टेप, और उससे बाद ही आपका होमवर्क है, यू कैन डू दैट। सबसे पहला स्टेप, आप एच सी जैसे 2t डाल दो। जैसे आपने एच सी जैसे 2t डाला, ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 5t बाय इंटीग्रेशन ऑफ एच सी एच 2t डालोगे तो डी एच सी एच तुम्हें 2dt डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा बन गया हाफ ऑफ, है ना, हाफ बाहर भी ले लेना, साइन ऑफ 5t बाय साइन टी डी टी। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो, साइन 5t बाय साइन टी डी टी। नाउ साइन 5t तो आप लिख सकते हो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t cos 3t प्लस cos 2t sin 3t। बाय साइन टी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन सब को एक्सपैंड कर दूंगा। ठीक है, sin 2t cos 3t cos 2t sin 3t। ठीक है, आई विल एक्सपैंड, देन आई विल डिवाइड बाय साइन टी। ठीक है, यहां से ये बहुत इजी आता है। फिर क्या करना, एक्सपेरिमेंट करना, डिवाइड बाय साइन टी करना। ठीक है, फिर तुम्हारे पास जो भी cos²t वाली टर्म आएगी ना, उससे तुम रिप्लेस कर सकते हो। cos²t वाली टर्म तो तुम किससे रिप्लेस कर सकते हो, cos 2t + 1/2। तो यहां से इतना आने के बाद से तुम्हें तीन स्टेप लगाने, एक्सपैंड, डिवाइड बाय साइन टी एंड cos²t बराबर cos 2t + 1/2। ये लगा लो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज अ पी वाई क्यू ऑफ नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज से सेशन का। ठीक है, लेट एफ आर टू आर बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई +2xy - 3। ठीक है, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू रियल, इफ एफ डैश 0 इज -1 देन एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू। सबसे पहले यहाँ एक्स और वाई दोनों तो 0 रख दो, तो एफ ऑफ 0 इज बेसिकली 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 - 3। तो आई थिंक यहां से एफ ऑफ 0 की जो वैल्यू आ रही, दैट इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास एफ जीरो की भी वैल्यू आ गई और उसने मुझे एफ डैश 0 की वैल्यू देर भी रखी है, एफ डैश 0 इज गिवन टू मी। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएबल फंक्शन तो है। तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ वाई का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और यहां से आया 2y।
ठीक है, और अब आप एच सी एच जीरो डाल दो तो आपका एफ डैश वाई बन गया एफ डैश जीरो वॉज माइनस वन, तो ये बन गया टू वाई माइनस वन। इंटीग्रेट कर दो तो एफ ऑफ वाई बन गया वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस सी। तो ये जो सी की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 3/2। तो मैंने आपका आपका फंक्शन निकाल दिया एफ एक्स बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3/2, और वैल्यू किसकी निकालनी है, एफ ऑफ थ्री की। तो ये बन जाएगा 9 माइनस 3 प्लस 3/2, तो ये बन जाएगा 6 15/2, दैट इज 7.5। तो इसका आंसर 7.5 है, और जो भी पैटर्न है उससे अकॉर्डिंग आंसर पढ़ना। अरे नियरेस्ट इंटीजर बोले 7.5 का नियरेस्ट 7 होता है, नहीं ऑड नंबर है, 7.5 का नियरेस्ट 8 होता है, तो उस चीज में 8 लगा देना। ठीक है, इसी के साथ ये रिवीजन सेशन होता है समाप्त। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो भी इसी टाइप की शॉर्ट रिवीजन रहेगी। ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई मेंस। जो भी आपने तैयारी की है वो आपको हेल्प करे आपके एग्जाम में। यू ऑल डू वेल, सक्सीड वेल, एंड देन वी मीट फॉर जेई एडवांस्ड वर्कशॉप। टूडलू।